वायरल वीडियो देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का है, जहां आज भी मान्यता के नाम पर टोटके कर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंदौर की राव के ग्रामीण क्षेत्र में ये आज भी चर्चाओं में है। इंदौर में बारिश हो जाने के बाद भी यहां बुधवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक टोटका किया गया, जिसे हर साल किया जाता है। इस टोटके की मान्यता में शहर के राव क्षेत्र के चौक से गधे को हार फूल पहना कर रहवासियों ने उसका जुलूस निकाला और उसे शमशान ले जाकर उल्टी परिक्रमा लगवाई। लोगों का मानना है कि झमाझम बारिश के लिए ये टोटका किया जा रहा है। बता दें, इंदौर में मॉनसून 15 जून के आसपास आ जाता है, लेकिन इस बार 30 जून तक बारिश के आसार नहीं दिखे हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने परंपरा के अनुसार मान्यता को पूरा किया, लेकिन इस टोटके में राजनीतिक का टोटका भी दिखा। गधे के साथ साथ पैरों का महत्व समझाते हुए खुद बीजेपी नेता शिवा डिंगू ये कहते हैं कि गांव में एक समाज विशेष के व्यक्ति के मरने के चलते अच्छी बारिश नहीं होती है, लिहाजा उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गधे की उल्टी परिक्रमा से वाकई इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और शहर में बारिश हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये सवाल ही है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।